अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो कभी वीरान और खंडर हुआ करती थी, कभी यहाँ पर सिर्फ मुर्दे जलाए जाते थे, पर आज यहाँ जीवन बसता है और शाम के वक्त बच्चे खेला करते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार है जो सूरज भाई ने अपने प्रेम और सेवा भाव से यहाँ पे किया है, ऐसे कई और चमत्कार वो इस गांव में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं सूरज भाई के पास और सुनते हैं कि इस काम के पीछे, इस सेवा भाव के पीछे उनकी क्या सोच है। मैंने हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। उसके बाद जीपीएससी क्लियर किया, तो थोड़े तीन साढ़े तीन महीना में एज ए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो मामलेदार की पोस्ट भी रहा। फिर ऐसा सोचा कि आजकल के लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसे से ही जीवन है, मगर मुझे थोड़ा अलग लगा। ऐसा लगा कि लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं, हम पैसे के बिना कैसे जीवन हो सकता है, उसका थोड़ा एक प्रयोग करें। तो इसीलिए वो जॉब को मैंने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद गांधी विनोबा जी के बारे में थोड़ा मन में हुआ था कि उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जाने, उनके बारे में थोड़ी खोज करें, तो इसी इच्छा से मैंने गुजरात विद्यापीठ ज्वाइन किया। जब गुजरात विद्यापीठ मैंने ज्वाइन किया तो काफ़ी गांधीन लोगों का, जो गांधी जन है वो गांधी जन लोगों का मुझे सानिध्य मिला, और उसी के कारण मेरे में सीड प्लांटिंग हुआ, और पता नहीं वो सीड कब ग्रो अप हुआ। और वहाँ से मुझे एक मौका मिला कि गांव में जाए और मेरे में शार्पनेस कैसे आए, और गांव में जाके क्या करता था, तो एनवायरमेंट है, हेल्थ है, सेव द गर्ल चाइल्ड है और सैनिटेशन है, वो सबके बारे में अवेयरनेस करता था। और अवेयरनेस के साथ 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 लोगों को जब मैं बातें करता था तो लोगों को हम बातें करते मगर मेरे में, हमारे में वो बात नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हम लोगों को बात ही कर रहे हैं, हमारे में वो नहीं है, तो मैंने वही प्रयत्न किया कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं लोगों को बताऊंगा। और फिर हुआ कि अब काफी गांव में घूमे हैं, अब घूमना नहीं है, अब एक ही जगह पे स्थिर रह के साधना करना है, उसमें भी सामूहिक साधना। तो जब मैं यहाँ पे आया तब क्या था कि लोग वैसे बोल रहे थे, क्यों आए हो, क्या करना है, वो करना है, ये हमारे गाँव में नहीं होगा, आपके हमारे गाँव में सहयोग नहीं मिलेगा, लोग बोलते थे। और ये उसको ज्यादातर मन पे नहीं लेता था। तो वो जो डंपिंग साइट था वहाँ पे 8 दिन प्रोडक्टिव लेबर ऑफ लव किया और जगह को इतना नीट एंड क्लीन बनाया, जो जगह में पहले हर रोज 2-3 लोग भी नहीं जा सकते थे, कुत्ते भी नहीं जा सकते थे, वैसी जगह में अभी हर रोज कम से कम 60 से लेकर 100 जितने लोग आते हैं, और उनके साथ खास करके बात होती है कि सेवा क्या है। हम भक्ति की बात करते तो भक्ति क्या है कि प्रकृति को, कहीं भी प्रकृति को हम ऐसे प्रकृति का शोषण न करें, उसका पोषण करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का पोषण करें, वही उद्देश्य से सेवा में मैंने प्रकृति को जुड़ा है। और मेरा हमेशा यही नज़रे रहता है कि मैं भी प्रकृति में परमेश्वर का दर्शन करता हूँ। उसके बाद देखा जाए तो फिर हमारा संस्कार केंद्र बच्चों का चलता है, वो संस्कार केंद्र में अभी 60 बच्चे आते हैं, तो बच्चों को वो सिखाते हैं, तो हेड हैंड और हार्ट में खास करके समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हृदय में कैसे करुणा लाए। अभी देखा जाए तो अपने दुनिया में 3 वे है, पहला वे कानून का है, कानून का वे है, फिर भी काफी क्राइम होते हैं, फिर कत्ल वाले लोग भी है, टेररिस्ट देखे जाए और नक्सलाइट एरिया देखे जाए वहाँ पे लोग कत्ल में मानते हैं। ये 2 रास्ते है, कानून है, कत्ल है और कायदा भी है, अलग अलग लॉ भी है, मगर उससे परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मेरा चौथा रास्ता ऐसा है कि अपने आप में करुणा को हम पैदा करें, जितने अपने आप में करुणा होगी, कंपेशन होगा, जितनी कंपेशन ज्यादा उसमें समाज में हम सौजन्यता और सौम्यता को अच्छी तरह पहुंचा सकेंगे। और मैं मानता हूं वैसा कि कुछ करना है तो आधे पागल नहीं चलेंगे, पूरे पागल बनना चाहिए, और वो पागलपन अपने लिए है ना, उनको तो हम ऐसा कर रहे हैं बताने के लिए तो कुछ है ही नहीं, अपने आप में कुछ अंतरात्मा में, अपने खुद में कुछ, क्योंकि देखा जाए तो स्वयं के साथ दोस्ती, फिर जगत के साथ दोस्ती और फिर जगदीश के साथ दोस्ती, ये तीनों के साथ दोस्ती करने का एक प्रयत्न है, तो पागलपन होना ही चाहिए, पागलपन से ही कुछ हो सकेगा। और दूसरी बात, यहाँ रह के जो प्रयोग करता है उसमें खास मेरा खास प्रयोग ये है कि आओ वाला रित बताऊ जीवू के, मुझे लोगों को जो सिखाना है कि कैसे जीना चाहिए, वही प्रयोग मैं यहाँ पे कैसे जीना चाहिए वो पूरा अपने आप में डाल के वही बिहेवियर से लोगों में डालने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा कुछ टीचिंग प्रीचिंग काउंसलिंग ऐसा नहीं है, मगर खास करके मेरे वर्तन में से, मेरे छोटे छोटे एक्ट में से लोग सीखे, और लोग सीखे तो अच्छा है, लोग न सीखे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी स्किल तो डेवलप होने ही वाली है, और उसे जितना भी अपनी स्किल डेवलप हो अपने को तो लोगों के साथ बांटना है, जितना बांटेंगे, जैसे बोलते हैं कि बांट के जीना और वही कूट जाना,
क्योंकि जितना बांटेंगे उतना हमारा भी ज्ञान नॉलेज बढ़ेगा और लोगों में भी अपने आप सरलता से हो जाएगा। तो वैसे मेरा भी जो लोगों के पास से सीखा हो, जिन्होंने मुझे दिशा दी है, मैं उनके पास से जो सीखा हो वही मेरा प्रयत्न है कि उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करूँ।